स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, किस विषय में जेएनयू भारत में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा? ए अर्थशास्त्र गणित कंप्यूटर विज्ञान, बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं, सी इंजीनियरिंग चिकित्सा कानून, डी भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान। आंसर बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं। एक्सप्लेनेशन, भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव विज्ञान अंग्रेजी भाषा और साहित्य और भाषा विज्ञान के विषयों में जेएनयू देश के शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। आंसर बी 12 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन के सम्मान में मनाया जाता है। यूएन महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए किर्गिस्तान, बी भारत, सी चीन, डी ईरान। आंसर ए किर्गिस्तान। एक्सप्लेनेशन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में रजत पदक जीता, वहीं अभिमन्यु ने 70 किग्रा में भारत को दूसरा पदक दिलाया। अगला प्रश्न, KBIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए टाटा ग्रुप, बी टेक महिंद्रा, सी रिलायंस इंडस्ट्री, डी CSIR IMMT। आंसर डी CSIR IMMT। एक्सप्लेनेशन, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBIL ने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। KBIL भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वावधान में 3 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नालको, HCL और NECL की एक संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न, EVM के संदर्भ में VVPAT का क्या मतलब है? ए सत्यापित मतदान प्रक्रिया और जवाबदेही उपकरण, बी वोटर वेरिफाइड पेपर सटीकता ट्रैकर, सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, डी सत्यापित मतदाता पत्र ऑडिट ट्रेल। आंसर सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। एक्सप्लेनेशन, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। एक VVAPAT मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगा सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके।